क्रॉस किया उदलाबाड़ी, और उदलाबाड़ी से जस्ट क्रॉस करने के बाद जो फ्लाई ओवर आता है ये वो। कम टू चालसा यू ब्यूटीफुल पीपल। अरे टोटो वाले चचा, हम लोग दूसरे रास्ते पर चले गए थे। दादू कैसे आप झूल के जा रहे हो, गिर जाओगे। गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है ना गाइस, वो रास्ता है ही नहीं। हम लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे वैसा कुछ, ये जगह बहुत पसंद आ रहा है। एक चीज बता दूं गाइस, ये जो पानी है ना एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है। तेरी आंखों का काजल ना फैले। हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल D2C ब्लॉग्स पर, और मैं फिर से आ चुका हूँ गाइस एक फ्रेश और न्यू ब्लॉग लेके। तो गाइस आज अपन लोग निकले थे कुछ काम से सिलीगुड़ी में, तो वो काम तो हो ही गया है अभी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं अभी घूमने के लिए। तो अभी फ़िलहाल है हम लोग उदलाबाड़ी जाने वाले रूट पे, तो इधर जाते हैं तो आप लोग पहुंच जाएंगे क्रांति की तरफ, और इधर को जाते हैं तो उदलाबाड़ी। हाँ जाते हैं, प्लान तो बन रहा है मेटली सामसिंग की तरफ जाने का, तो देखते हैं क्या होता है। अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर हम लोग यहाँ पे रुके थे, फ़ोटो वगैरह लिए, अब गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है, तो अभी निकलते हैं गैस यहाँ से। और ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा गैस, आप लोग को पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गैस अभी निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया उदलाबाड़ी, और उदलाबाड़ी से जस्ट क्रॉस करने के बाद जो फ्लाई ओवर आता है ये वो फ्लाई ओवर है, और यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे मस्त आ रहे हैं गाइस। फ़ोन के कैमरे से शायद से उतना अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेरे नेकेड आई से जो व्यू आ रहा है दैट नेक्स्ट लेवल। तो अभी यहाँ से मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मिलते हैं गाइस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। ओके गाइस, सो गाइस वी आर बैक इन आवर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो होप सो कैमरा एंगल सही है, क्योंकि आज अपने पास अपना मशीन नहीं है, दूसरा एक दोस्त लेके आया है, उसका अपाची 180 और 160 ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस। तो होप सो कैमरा एंगल सही रहेगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया डामडीम, अब चालसा पहुँचेंगे, फिर चालसा से ले लेंगे हम लोग राइट की तरफ, जो हम लोग को अपने डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगा, जो होगा मेटली। प्लान तो ऐसा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि रॉकी आइलैंड जाए, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। और राइड करने में मज़ा आ रहा है गाइस, क्योंकि अपन डुअर्स में है ना गाइस, और आप लोगों को पता ही होगा डुअर्स में मुझे राइड करने में कितना मज़ा आता है। तो अभी ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर रह गया होगा माल बाजार, माल बाजार का सीन चेक करें गाइस। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं फुल स्टेशन, थोड़ा फ्यूल कम लग रहा है, सिर्फ एक ही स्टिक दिखा रहा है, तो फ्यूल अप करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से चालसा की तरफ। जस्ट निकले हम लोग फ्यूल स्टेशन से, तो फ्यूल अप इज ये टायरन चेक मारेगा। अभी इधर कुछ ज्यादा बाधे वादे नहीं करते हैं, और आप लोगों को मिलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चालसा में। ओके गाइस, वेलकम टू चालसा यू ब्यूटीफुल पीपल। सो गाइस हम लोग फिलहाल पहुंचे थे चालसा, और अभी फिलहाल एक रेस्टोरेंट में है, तो यहाँ हम लोगों ने मोमो खाया, तो अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी का टाइम अपडेट बता दूँ गाइस, अभी हो रहा है 1:15, तो अभी निकलते हैं ऑलमोस्ट, अभी बहुत ही सफ़र करना है, तो निकलते हैं अभी। अभी जस्ट हम लोग निकले चालसा से, और अभी पहुँचने वाले हैं मेटली। तो गाइस मैं मेटली फर्स्ट टाइम घुस रहा हूँ। अरे टोटो वाले चचा, साइड में सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। पहुँचे तो ठीक, लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है रास्ते को लेके, तो अभी गूगल मैप खोलते हैं और देखते हैं।
सो गाइस हम लोग दूसरे रास्ते पर चले गए थे, तो हम लोग को लेना था एक लेफ्ट टर्न, लेकिन हम लोग राइट टर्न ले लिया। अगर वो रास्ते भी जाते तो पहुंच जाते, गूगल मैप में देखा हम लोगों ने तो वो रास्ता भी उधर को ही जा रहा था, तो फिर भी हम लोगों ने मोड़ ही लिया। तो उधर से पड़ रहा था हम लोग को 12 किलोमीटर्स और इधर से 11 किलोमीटर। अरे दादू कैसे आप झूल के जा रहे हो, गिर जाओगे। तो मेटली टीस्ट है गाइस, तो ये चेक करें, मौसम तो सही है, एकदम मॉडरेट है, बट थोड़ा थोड़ा बूंदा बांदी हो रहा है, तो भगवान करे बारिश ना आए। अगर ये रोड और टैरेन चेक मारे गाइस, ऑसम, इट्स लुकिंग ऑसम हियर। और यहाँ जो राइड करने में मजा आ रहा है ना, दैट्स, मैं आप लोग को बातों से वो जाहिर नहीं कर पाऊंगा, आप लोग वीडियो देख के अगर समझ पा रहे हैं तब तो ठीक ही है, मैं अपने वीडियो से अपना इमोशंस बया कर रहा हूँ आप लोगों से, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये टी गार्डन ऑसम है गाइस, ऑसम। लोग अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुका है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इतने में तो भीगेंगे नहीं, बट देखते हैं क्या रहता है। और यहाँ का जो रोड है ना, एकदम सही है गाइस राइड करने के लिए। मजा आ रहा है गाइस इधर, और पहाड़ों के नज़ारे यहाँ से दिखने लगे हैं गाइस, आगे पहाड़ों के नज़ारे, लेकिन क्लाउड से ढका हुआ है तो नहीं दिख रहा होगा, बट नेकेड आइज से थोड़ा थोड़ा व्यू तो आ ही रहा है आगे का। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, शायद से 5 to 6 किलोमीटर रह गया है, और कुछ ऐसा रूट आ चुका है, दोनों साइड से फॉरेस्ट है, और यहाँ का जो वेदर हो रहा है ना गाइस, एकदम ऑसम हो रहा है, एकदम सूदिंग है। थोड़ा देर पहले बारिश हुआ है, सब कुछ एकदम व्यू एकदम क्लियर है, और क्या ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है गाइस। तो अभी रास्ते को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया था, गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है ना गाइस, वो रास्ता है ही नहीं। हम लोग गए तो वहाँ एक रिजॉर्ट का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता उधर से निकलता नहीं है, बट गूगल मैप क्यों दिखा रहा है पता नहीं, इसीलिए हम लोगों ने लोकल से पूछा तो उन लोगों ने ये रास्ता सजेस्ट किया, तो अभी जा रहे हैं इस रास्ते पे हम लोग। और पहाड़ों के जो व्यू आ रहे हैं ना गाइस, guys we have reached our destination, welcome to Rocky Island guys। चलिए देखते हैं guys ये island कितना rocky है। guys अभी हम लोग finally पहुंच चुके हैं Rocky Island, लेकिन मैंने जो expect किया था यहाँ पे वैसा कुछ तो है नहीं। फिलहाल मैं हूँ इस होटल का रास्ता है उसके सामने ही खड़ा हूँ, तो आगे एक ब्रिज जैसा है, फिर उधर से रिवर बह रहा है, बस उतना कुछ ही है, तो ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं यहाँ पे। फिर भी देखता हूँ कुछ दिखता है तो आप लोग को दिखाता हूँ, और यहाँ के कुछ सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस चलते हैं ब्रिज के। मुझको तो ये जगह पसंद नहीं आया, लेकिन शायद से लोगों को ये जगह बहुत पसंद आ रहा है, तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल से शायद एक दिन अगर स्टे करते हैं तो सही लगेगा। और इधर दुकान वगैरह है, सब में मोमोज वगैरह बेच रहे हैं लोग, और क्राउड अच्छा खासा ही है इधर, तो चलते हैं ब्रिज के सामने और आप लोगों को वहाँ का सीन चेक कराते हैं गाइस। जिस ब्रिज का बात कर रहा था वो ब्रिज ये है, और ये जो आप लोग रिवर देख रहे हैं ना गाइस, ये मूर्ति रिवर है, तो आगे ऊपर से वो बहते हुए आ रहा है। और एक चीज़ बता दूं गाइस, ये जो पानी है ना एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है, यहीं से जो अंडर वाटर नीचे का जो चीज़ है ना, पत्थर वगैरह, सब क्लियर व्यू आ रहा है। और बस इतना ही कुछ है यहाँ पे दिखाने को, तो आप लोग यहाँ का कुछ
तो आप लोग कुछ यहाँ का सिनेमैटिक्स चेक करें गाइस। ब्रिज उधर है तो ये वाला पत्थर क्रॉस करके आया इधर से, फिर यहाँ से चढ़ के यहाँ आए, फिर प्लान कर रहे थे कि उधर जाएं लेकिन उधर जाने का रास्ता तो रहा नहीं और मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए अब यहीं से रिटर्न हो रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग का यहाँ घूमना फिरना हो चुका है, तो आप लोग को मैंने सिनेमैटिक्स दिखाया हो तो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो लास्ट टाइम यहाँ का नज़ारा चेक करा दूँगा। कुछ ऐसा है, यहाँ एक ब्रिज है और इधर से अपना मूर्ति रिवर बह रहा है, तो बस यहाँ पे इतना कुछ ही है। तो अभी निकलते हैं गाइस यहाँ से।